Hello everyone, how are you? Yes, every class, take out your maths book, math word, exercise 5, unit 2. We have completed exercise 1, 2, 3, 4. Today we will start exercise 5, page number 30, word problems. Question number 1, dekhi, word problems. Question number 1 hai, Tina had 27 gloves in her tiffin. Tina ki tiffin mein kitni glass thi uski tiffin mein? 27. Tiffin box. Tiffin box mein kitne glass thi? 27. And Seema had 44 gloves in her tiffin box. Aur Seema ki tiffin box mein kitne glass thi? 44. Dekhiye Tina ki 27 aur Seema ki 44 gloves thi uske tiffin mein. Clear? How many grapes are there in all? तो कुल मिलाकर कितने grapes हो गए? देखिए सबसे पहले आपको word problem read करना आना चाहिए, उसका mean समझ में आना चाहिए कि plus होगा, minus होगा या multiply होगा. Second class ध्यान से read करिए वापस. Tina had 27 grapes in her tiffin box. Tina के tiffin box में 27 grapes थे. And Seema had 44 grapes in her tiffin. और Seema के tiffin में 44 grapes थे. देखिए अब first stop आ गया, first line finish हो गई. Second line, Seema had 44 grapes in her tiffin. यहाँ पर second line finish हो गई. How many grapes are there in all? Addition में क्या होता है? Addition six grapes होती है. अब इसमें addition क्यों करना है? Seema के मान लीजिए Tina के पास 2 grapes है. और Seema के पास 4, तो कुल कितने हो गए? All आ गया ना? All सब मिलाकर कितने हो गए? तो क्या होगा? Plus मैंने कहा Tina के पास 2, Seema के पास 4 grapes है, तो total कितने हो गए? 4 और 2 6 grapes. इसलिए इसमें plus होगा. सबसे पहले देखिए इसमें plus क्यों होगा? All पूछ रहा है सब मिलाकर कितने grapes हो गए. अब इसको statement लिखना है आपको. कैसे लिखेंगे? Tina had grapes in her tiffin. आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी से आपको वर्ड प्रॉब्लम लिखनी है. Tina had grapes in her tiffin box equal to 27. देखिए Tina had grapes in her tiffin. Tina के tiffin में कितने grapes थे? 27. First line का first statement बनेगा. आपकी question का जो first line है उसका first statement बनेगा. Second line का second. Seema had grapes in her tiffin. Second line का second statement देखिए. Seema had grapes in her tiffin 44. Clear? अब third line, जब फ्री स्ट्रोक आ जाता है तो लाइन फिनिश है. How many grapes are there in all? तो how many का क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, तो क्या आएगा? Total grapes are there in all. क्योंकि total क्यों लिखा मैंने? क्योंकि all पूछ रहे हैं, total मिलाकर all कितने हो गए? तो टोटल ग्रेस आर देयर इन ऑल, इनको आप प्लस कर देंगे. 110 से के 27 44 आया था, मतलब 7 और 4 को प्लस करेंगे तो 11 आएगा. ये 1 4 10, 1s की प्लेस पे 1 की वैल्यू, 1s की वैल्यू आ जाएगी. कितनी 1s की वैल्यू? 1. और ये 10 से भी 1 पे चला जाएगा, कैरी लग जाएगा. ये वाला नंबर हमेशा 10s प्लेस वाला कैरी लगेगा. कितने फिर? 1 2 3 3 4 7. आंसर क्या आएगा? 71 ग्रेस. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ड प्रॉब्लम का. टिया हैड रुपीस 35 इन पर्स. फुल स्टॉप आ गया, फर्स्ट लाइन फिनिश हो गई. टिया हैड रुपीस 35 इन पर्स. ओके, टिया के पर्स में 35 रुपीस थे. पिया हैड 64 रुपीस इन हर पर्स. और पिया के पर्स में कितने रुपीस थे? 64 रुपीस थे. सेकंड लाइन, हाउ मच मनी डिड दे हैव. उनके पास कितनी रुपीस, कितने मनी थी? ओके, अब इसका आंसर देखिए. फर्स्ट लाइन बताया था टिया हैड रुपीस इन हर पर्स. फर्स्ट लाइन का टिया हैड रुपीस इन हर पर्स. टिया हैड रुपीस इन हर पर्स इक्वल टू 35. सेकंड लाइन,
64. Total rupees they had. कितने rupees हो गए तो plus करेंगे 35 plus 64 को 5549603 9. तो total मिला कितने rupees हो गए 99. Answer आएगा rupees 99. देखिए वापस समझा देती हूँ आपके questions. सब first of all आपको question को अच्छे से read करना है कि plus होगा कि minus होगा. वो पूछा how much money, कितनी money होगी उन दोनों के पास में. तो plus होगा आपको रीड करना आना चाहिए. हेड का मतलब पास थे. हेड मीन्स पास थे. प्रिया के पास, प्रिया के पास में 35 रुपीज थे. फर्स्ट लाइन का फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड लाइन का सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड लाइन का थर्ड स्टेटमेंट. आपको कुछ नहीं करना, जो इसमें लिखा हो वही आंसर में लिखना है. बस डिजिट को आपको बाहर लिखना है. आया समझ में? चलिए हम क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करेंगे. ओके, यस, एक्सरसाइज 6 पेज नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 1 है आपका. एट द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर है 43 प्लस 26 प्लस 11. अब इनको आपको 3 डिजिट नंबर है ये, ठीक है. 3 नंबर्स हैं दिए हुए आपको. 3 डिजिट नहीं है, 3 नंबर्स है. 1, 2, 3 नंबर्स है. इनको आपको ही ग्रुप में करना है, ठीक है. पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे प्लस कर लेंगे. 1 और 10 43 प्लस 26. पहले आप इन दोनों को करेंगे 6 और 3 9 4 2 6. अब 69 आंसर आया आपका, ठीक है. और 69 को यहाँ लिखेंगे आप और 11 को लिख देंगे. ध्यान रखिएगा ये लास्ट वाले नंबर भी लिखिए. जो आपका आंसर आएगा उसमें आप 11 प्लस करेंगे. 9 1 10 0 ही आएगा. 1 कैरी जाएगा. क्यों जाएगा 1 कैरी? क्योंकि ये 1s की प्लेस पर नहीं है, 10s की प्लेस पर है. 1s की प्लेस पर 0 है और 10s की प्लेस पर 1 की ना कैरी जाएगा. क्लियर? अब 1 और 6 7 7 और 1 8. आया समझ में? तो क्या आया इसका आंसर? 80. क्या आंसर आया था इनका सबको? 80, ठीक है. अब आपकी बुक का ये बी क्वेश्चन देखिए. 52 प्लस 60 प्लस 14. अब 52 और 16 को आप पहले प्लस करेंगे. 1 और 10 इतना कंपल्सरी है. 52 और 16 6 7 8 5 1 6. क्या आंसर आया? 68. अब 68 में 14 को प्लस करना है आपको. 68 को 14 प्लस करेंगे. 8 और 12 काउंट करें फिंगर पे. बेटा आप बड़े हो चुके हो, डायरेक्ट भी काउंट करना सीखिए, फास्ट काउंट करना सीखिए थोड़ा सा. 8 4 1 2 3 4 टोटल कितने हो गए? 12. ये कैरी जाएगा. 2 का 2 और 1 कैरी, ठीक है. पास वाला हमेशा पास वालों पे कैरी जाएगा.